एबीपीएस न्यूज टीम का अगला पड़ाव जनपद अमरोहा के ब्लॉक अमरोहा में स्थित अपरोलामाईवाग गांव पहुंचा। इस गांव की दूरी जिला मुख्यालय से 16 किलोमीटर है। वर्तमान में गांव के प्रधान समी हैं। लगभग 9000 जनसंख्या व 4200 वोटर वाला यह गांव विकास के पथ पर अग्रसर है, लेकिन सरकार की अनदेखी के कारण गांव में काफी मूलभूत सुविधाओं की कमी देखने को मिल रही है। जैसे गांव में 800 राशन कार्ड धारक राशन लेने से वंचित हैं, साथ ही गांव में 50 विधवा पेंशन, 40 वृद्धा पेंशन, 20 विकलांग पेंशन लाभार्थी पेंशन से वंचित हैं। बात अगर शिक्षा के स्तर की करें तो गांव के जूनियर एवं प्राइमरी पाठशाला में लगभग 200 बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। बात अगर विकास कार्यों की करें तो गांव में 121 हैंडपंप, 110 विद्युत पोल व 15 विद्युत ट्रांसफार्मर गांव में लगे हुए हैं। वर्तमान ग्राम प्रधान की देखरेख में गांव में सीसी टाइल्स रोड, खटंजा, पानी निकासी के लिए नाली, स्वच्छ भारत मिशन के तहत 257 इज्जत घर का भी निर्माण कराया गया है। एबीपीएस न्यूज टीम से बात करते हुए ग्राम प्रधान ने गांव में खटंजा, सीसी टाइल्स रोड, पानी निकासी के लिए नाला, स्वास्थ्य केंद्र, पानी की टंकी, स्वच्छ भारत मिशन के तहत इज्जत घर व प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 50 आवास के निर्माण की मांग राज्य व केंद्र सरकार से की है। ग्राम प्रधान अपनोला में बात, हमारे राशन कार्ड बहुत कम है, गांव वाले बहुत परेशान हैं और इसके कारण डीलर में भरते फार्म वो आते नहीं, हमारे यहाँ आने की विधवा पेंशन भी कम है, 60 साल भी कम, ये सब मिलनी चाहिए।